आज हम लोग ब्रेकफास्ट में फिर से खा रहे हैं समोसा। मेरे को खाना तो पोहा जलेबी है, बट मैं सो के इतना लेट उठती हूँ कि दीदी कहाँ जो डिलीवरी वाला चीज है वो डोर स्टेप डिलीवरी है, स्टेशन पे डिलीवरी बोल दो, एयरपोर्ट पे, बस स्टॉप पे, जहाँ बोलो वहाँ पे डिलीवरी। तो मैं ऑल सेट ऑल रेडी हो चुकी हूँ। मैं आप लोगों का भी लाइक वो बहुत स्पेशल और बहुत फनी शादी अटेंड करी थी हम लोगों ने। हम लोग सब पूरे रूम जो हम लोग जब पीजी में रहते थे सारे रूममेट्स गए थे, खुशी की फैमिली का था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्रेकफास्ट तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट में फिर से खा रहे हैं समोसा। मेरे को खाना तो पोहा जलेबी है, बट मैं सो के इतना लेट उठती हूँ कि तब तक पोहा जलेबी मिलना भी बंद हो जाता है। बट एक दिन फॉर श्योर जल्दी उठूंगी सिर्फ पोहा जलेबी खाने के लिए। तो अभी खाते हैं समोसा। समोसा चटनी मस्त, समोसा और चटनी है मस्त। खाते जलेबी भी है। आपसे और कुछ अच्छा काम हो सकता है? स्प्राइट गिरा दिया पूरा टेबल में, ये काम का पूरा सामान रखा था। बढ़िया बढ़िया। कौन सा मेहंदी दे दे मेरी शादी के लिए। तो मैं और दीदी गए थे स्टेशन, क्योंकि दीदी का जो डिलीवरी वाला चीज है वो डोर स्टेप डिलीवरी है, स्टेशन पे डिलीवरी बोल दो, एयरपोर्ट पे, बस स्टॉप पे, जहाँ बोलो वहाँ पे डिलीवरी हो जाएगा आपका ऑर्डर। तो वही देने गए थे। इतनी गंदी गर्मी और धूप जो है भोपाल में, मैं बता रही हूँ, स्टेशन में एक तो इतने सारे लोग भरे हो, मेरे को इतना चिड़चिड़ मच रहा ना, ऐसा लग रहा बस कब निकल के भागू। तो फिर वहाँ पे स्टेशन गए थे, उसके बाद हम लोग फिर बुके लेने गए, क्योंकि हम लोग चर्च तो जा नहीं पाएंगे शादी के लिए क्योंकि लेट हो गए, क्योंकि ऑर्डर देने जाना था, तो फिर डायरेक्ट रिसेप्शन में जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग ने बुके ले लिए और अभी नींबू पानी पीने के लिए रुके हैं, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, धूप से भी, गर्मी से भी, हर चीज़ से। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरे लिए ऐसे 10 भी ड्रिंक्स ला के रख दोगे ना ठंडा, मैं वो भी पी लूँगी क्योंकि मेरे को इतना गर्मी लग रहा है। तभी फटाफट नींबू पानी पीते हैं और घर चलते हैं, देखते हैं मम्मी आई कि नहीं आई ड्यूटी से। मेरा इंतजार भी नहीं कर रही, मेरा आया नहीं और खुद पीने लग गई। हट हट गंदी, एक से प्लिया। तेरे काम से इतने धूप में लेके जा रही है मेरे को, इतनी गंदी धूप है, इतना गर्मी। मेरा नींबू सोडा बन रहा है, ये एक और, हाँ पी लो तुम तो, ट्रक ले जाए घर। जो सुकून मिल रहा ना। अभी हम लोग कुल्फी लेने के लिए रुके हैं क्योंकि बहुत गर्मी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। वो हमारा पहाड़ मेरे घर से दिखता है वो पूरा। गर्मी हो या ठंड हो या कोई सा भी मौसम हो, भोपाल में लोग ऐसे ही घूमते हैं, मैं बता रही हूँ। बैंगलोर में मैं ऐसे नहीं घूमती, बट यहाँ पे मैं ऐसे ही घूमती हूँ डाकू बन के। लो कुल्फी, इतने गर्मी में चाय पी रही हूँ मम्मी, हम तो सठिया गए। तो मैं रेडी होके आ चुकी हूँ, अभी फटाफट जाती हूँ और तैयार होती हूँ और फिर मैं आप लोगों को मेरा पूरा फुल आउटफिट दिखाऊंगी, रिसेप्शन लुक, हैशटैग रिसेप्शन लुक। तो मैं ऑल सेट ऑल रेडी हो चुकी हूँ, मैं आप लोगों को अभी फटाफट अपना आउटफिट दिखाती हूँ रिसेप्शन का। ट्रांसपेरेंट हील्स, कुर्ता और पैंट का सेट और दुपट्टा। ये दुपट्टा वो नहीं है जो मैं कल खरीद के लाई थी, बट वो दुपट्टा मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊँ। भूत लग रही है। किसको प्रपोज करने जा रहे हो आप? अंकल लोगों को दूल्हा और दुल्हन की जरूरत नहीं है। इसका पेट अभी भी नहीं भर रहा है। शादी डन, बाल बाल सब बांध लिए, दुपट्टा सब ओढ़ लिया, अब निकलते हैं घर के लिए फटाफट, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुके, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं रात के। तो फटाफट निकलते हैं वरना मम्मी का बहुत कॉल आने वाला है कि कहाँ हो करके। तो फटाफट चलते हैं और घर पहुंचते हैं फटाफट। हम लोग घर आ चुके हैं और आज बहुत 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 दिनों के बाद मैं शादी में गई थी कसम से, वरना बैंगलोर जाने के बाद मैंने मुश्किल से कुछ शादी अटेंड करी होगी। बट हाँ, बैंगलोर में भी मैंने एक शादी अटेंड करी थी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, लाइक वो बहुत स्पेशल और बहुत फनी शादी अटेंड करी थी हम लोग ने। हम लोग सब पूरे जो हम लोग जब पीजी में रहते थे सारे रूममेट्स गए थे, खुशी की फैमिली का था।
भाई साहब ऐसे लग रहा था बस बच्चों को छोड़ दिया आपने गार्डन में और वो लोग खेल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतनी सारी चीजें वहां जाके गिरा रहे हैं, खाने का कुछ गिरा दिया या किसी का फोन गिरा रहा है या क्या नहीं गिराया, मतलब बहुत फनी वाला शादी था हम लोगों का वो वाला, क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी चीजें गिराई थी। तो आज भी मैं इतने दिनों के बाद गई हूँ, क्योंकि पहले जब भोपाल में थी तो कंटिन्यूसली इन्विटेशन आता रहता था, जाते रहते थे, बट अभी ऐसा हो गया है कि बहुत बहुत ही कम चांसेस मिलते जाने के, बट जितने भी मिलते हैं काफी है भाई। तो आज का व्लॉग मैं ये खत्म करती हूँ, आई होप यू ऑल लाइक इट, सो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जिन्होंने सब पर सब्सक्राइब नहीं करा वो भी जाके सब्सक्राइब कर लो। तो बाय बाय, टेक केयर, बूम 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 बूम।